भारतीय जनता पार्टी ना अखिल भारतीय अध्यक्ष श्रीमान अमित भाई शाह, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ना अध्यक्ष भाई श्री जीतू भाई, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, मंच पर विराजमान सौ वरिष्ठ महानुभाव, विशाल संख्या में पधारेला वाला भाइयों बहनों, गई काल थी हूँ दुविधा में हतो, क्या कार्यक्रम में हाजरी आपी के ना आपी, एक तरफ कर्तव्य, बीजी तरफ करुणा, सूरत नी घटना भल भलाना हैया हचमचावी नाखे एवी छे, अनेक कुटुंबोनो दीप बुझाई गयो, एक प्रकारे ये परिवारना आशा अरमान भस्मीभूत थई गया। जेटलू पण दुख करिए ए ओछू छे, जेटली पण संवेदना व्यक्त करिए ए अधूरी छे। परिवार पर आवेल आवा संकट में आपणे ईश्वर ने ज प्रार्थना करी शकीए कि परमात्मा ये परिवार जनों ने आ भयंकर आघात में टकी रहेवानी ईश्वर शक्ति आपे। मैं राज्य पासे थी लगातार संपर्क में हतो, आ घटना जाण्या पछी राज्य सरकारे ये घटना संबंध में पण अने आ प्रकार की संभावनाओं ने ध्यान में लईने समग्र राज्य में पण एक प्रकारे डिजास्टर ना ऑडिट माटेनी व्यवस्था ताकीदे हाथ धरी छे। राज्य सरकार की सक्रियता भविष्य में आवी संकटों थी बचवा माटे एक व्यवस्था ने विकसित करवा माटे जरूर काम आवशे। तो एक तरफ मन पर आ करुणा नो भाव, आ दारूण घटना एनु दर्द, अने बीजी तरफ एक कर्तव्य भाव कि जे धरतीए मने मोटो कर्यो, जे माटीए मने मोटो कर्यो, आने देश की आवड़ी मोटी घटना हो, वैश्विक घटना हो, अने माटी ने माथे चढ़ावा न जाऊं तो जाने कहीं ऊणो उतरियो छे आत्मा ने लागे। अने तेथी समय नी पण सीमा हती, आना पछी तरत समय मळवानी संभावना नहोती। माना आशीर्वाद लेवानुं पण स्वाभाविक
दरेक संतान ने इच्छा थती हो, परंतु गुजरात भारतीय जनता पार्टी ने एमनी आ संवेदनशीलता माटे अने आजना गौरवपूर्ण अवसर ने पण उत्साह ने उमंग अवसर ने पण सूरतनी घटना ने अर्पित करी दीधो अने कोईपण प्रकारना स्वागत सम्मान के ठाठ वाट सिवाय आपना दर्शन माटेनी मने तक आपी ए बदल हूँ गुजरात भारतीय जनता पार्टी नो पण आभारी छू। मारे मान आपनी वच्चे आवू एटले एक प्रकारे हूँ आपना दर्शन करवा आव्यो छू अने आपना माध्यम थी समग्र गुजरात ना लोकोना दर्शन करवा आव्यो छू। एमना आशीर्वाद ये मारी अपार शक्ति छे अने आशीर्वाद नो प्रवाह क्यारे अटक्यो नथी। आटलू लांबू सार्वजनिक जीवन अने ते पण शासन व्यवस्थाना मुख्य व्यक्ति तरीके रह्या पछी पण आटलो अपार प्रेम आना आना माटे आभारना शब्दों बधा ज टूंका पड़े नाना पड़े अने तेथी माथू नमावीने नमन करू अमारी गुर्जर धरा ने। अने गुजरातना लोको विश्व में ज्यां छे त्यां एमने खबर छे के त्यांथी क्यांय वोट आपवा नथी जवाना, पण जाने आखी चूंटणी त्यांथी लड़ता होय एवी रीते दुनिया भर में भारतीय समुदाय आ लोकतंत्र उत्सव ने उजवतो हतो। विश्व में लोग पूछता था अन्य लोग कि भाई तमे आ बधा अहींया शुं करवा करो छो, कार रेली करो ने साइकल रेली करो ने जात जाता बधा कार्यक्रमों करो, तो एमणे कह्युं के सोशियल मीडिया थी एनी खबर हिंदुस्तान ने खूणे खूणे पहुंचे छे अने अमने संतोष छे कि लोकतंत्र का महापर्व नी अंदर अमे पण भागीदार छीए। कदाच मारी भूल थाय माहिती में आंकड़ाओं में वर्ष में, परंतु मने मोटू मोटू याद एवं है कि 2012 में विधानसभा की चूंटनी पत्या पछी आ जगह पर विजय सभा माटे हूँ आव्यो हतो अने एना पछी कदाच 7 वर्षे आजे आवानुं थयुं छे, कारण के आखी जिंदगी आज कार्यालय में गई। अमारा अशोक भाई हता त्यारे दाळ वाला सांजे मंगावे अने मारा टेबल पर सिंग चणा होय तो बधा पत्रकारों में जे जूना हता ए तो चाकत में आवता था, हवे तो पेढ़ी घड़ी बदलाई गई छे। पण मजमो जाम तो आ समय एटले अहींया मजमो जामेलो होय, कोई अखबार टीवी एना प्रतिनिधि अहींया आव्या न होय बने नहीं अने हसी खुशी नी शाम दिवसभरनो थाक एमनी जोड़े गप्पा गोष्ठी करी एटले उतरी जाय, कारण के बधी एटली बधी वातो लई आव्या होय दुनिया पर नी मजा आवे सांभळवानी। अने अहींथी ज संगठनना संस्कार मळ्या, संगठन कौशल्य मळ्युं, संगठन माटे जीववुं जजुंबुं अविरत प्रवास करवो आवी अनेक बाबत आ नानकड़ा मकान में बेसीने सीख्या अने एम करता करता देशनी जनता जवाबदारी वधारती गई अने जवाबदारी संभाळता गया। 2014 में आप सौए मने विदाय आपी,
અને મને બરાબર યાદ છે કે ઘરનો દીકરો ગમે તેટલો મોટો થાય, ગમે તેટલી ઊંચાઈઓ પ્રાપ્ત કરે, પણ વિદાય એ વિદાય હોય છે, ભારે હૈયે વિદાય મળી, આંખો નમ હતી, પણ સાથે સાથે વિદાય આપનારાઓની આંખમાં એક વિશ્વાસ પણ હતો કે નરેન્દ્રભાઈ જાય છે તો કંઈક તો સારું કરશે જ. અને આપ સૌ પાસેથી જે શીખ્યો, ગુજરાતની ધરતીએ મને જે શીખવાડ્યું, જે સંસ્કાર કર્યા, એ સંસ્કાર આજે, એ શિક્ષણ આજે ખૂબ લેખે લાગ્યું છે. પ્રજાનો વિશ્વાસ જીતવા માટે શબ્દોના સાથિયા પૂરવાથી કામ નથી ચાલતા, પરસેવાની સુગંધથી વિશ્વાસ પેદા થતો હોય છે. તિલ તિલ શરીરને સમાજ માટે સમર્પિત અવસ્થામાં જ્યારે લોકો ઘસાતું જોતા હોય ત્યારે એક વિશ્વાસ પેદા થતો હોય છે. 2014 દેશ મને નહોતો ઓળખતો, પણ 2014 ની ચૂંટણીમાં દેશ ગુજરાતને ઓળખતો હતો. દેશ આખામાં આપોઆપ હવા ફેલાયેલી હતી કે ભાઈ ગુજરાત તો ઘણું આગળ નીકળી ગયું, ગુજરાતમાં તો ગામડા સુધી આવા રસ્તા છે, ગુજરાતમાં તો પાણીની એની વ્યવસ્થાઓ છે, ગુજરાતમાં તો ઉદ્યોગ ધંધા આવી રહ્યા છે, ગુજરાતમાં આમ છે, ગુજરાતમાં તેમ છે. આજે ગુજરાતની સિદ્ધિની સુવાસ હતી એ મારા પહોંચતા પહેલા દેશને ખૂણે ખૂણે પહોંચી ગઈ હતી. અને તેથી 2014ની ચૂંટણી એમાં જે જનાદેશ મળ્યો એ જનાદેશના મૂળમાં ગુજરાતની ગાથા હતી, ગુજરાતની ગૌરવ ગાથા હતી, ગુજરાતની વિકાસ યાત્રા હતી. અને એનાથી દેશ અને દુનિયાના લોકોને લાગ્યું હતું આ ચૂંટણીમાં પણ. હું એક સોશિયલ મીડિયામાં વિડીયો જોતો હતો, બંગાળના એક બહેન મોટી ઉંમરના, એ ઇન્ટરવ્યુ આપતા હતા અને સોશિયલ મીડિયામાં ઇન્ટરવ્યુ ચાલુ થયો છે તો એ મોદી મોદી કર્યા કરે, બંગાળી ભાષામાં બોલતા હતા. પછી પેલા ભાઈએ એને પૂછ્યું કેમ, તો કે હું ગુજરાતમાં યાત્રા કરવા ગઈ હતી અને મેં ગુજરાત જોયું હતું કે સ્વર્ગ છે, સ્વર્ગ. અમારું બંગાળ પણ આ મોદી જેવું બનાવી શકે. પછી એને પૂછ્યું વોટ કોને આપશો, તો મૂંઝાઈ ગયા. પછી ધીરે કરીને બોલ્યા કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીનું દાંતરડું છે ને એને આપીશું. તો કે કેમ, તમે તો કહો છો ને મોદી જોઈએ, પણ કે આ તો અહીંયા તો બોલાય નહીં કે મારી નાખે. આ સુવાસ એણે સમાજમાં એક વિશ્વાસ પેદા કર્યો અને 2014માં એ ખૂબ લેખે લાગ્યું. અહીં જે લગાતાર ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારો રહી, એમણે જે ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરી, જેમના નસીબમાં જે કામ આવ્યું બધાએ કર્યું, અને એના કારણે એક મજબૂત ફાઉન્ડેશન તૈયાર થયું. 2019ની ચૂંટણીમાં બધા જ પંડિતો ખોટા પડ્યા છે, સ
सामान्य रीते हूँ गुजरात में आटली बड़ी चूंटनी लड़ियो पर कोई दी आ बदा पत्रकारों मार मुँह में एटली बड़ी आंगळी नाखी नाखी पूछे कि मोदी जी जरा कहो तो खरा केटली सीट जीतशो पर मगनू नाम मरी मारा मुँह ना पाड़ू क्यारे आंकड़ो ना हूँ कहूँ पहला करता वधारे खूब सरस अभूतपूर्व बधुं जब जब आप जितना शब्दों डिक्शनरी में होय वापर्या करो पण आ के छोड़े वात होय नहीं। पहली बार आ वक्त चूंटणी में छठू चरण पूरु थया पछी मैं सार्वजनिक रीते आंकड़ो जाहिर कर्यो हतो कि अमे 300 पार करी जईशुं। अने मने बराबर याद छे 7-10 दाड़ा तो एवी मजाक उड़ावी ली लोकोए न जाने केवा केवी बधी वातो कहेवानी परंतु समग्र चूंटणी अभियान दरमियान ए जोवा मळ्युं के एक सरकार ने फरी बेसाड़वा माटे सरकारे करेला काम ने अनुमोदन आपवा माटे साच अर्थ में लोग टेको आपवा माटे वोट आपता था। प्रत्येक वोट में एक ताकत थी कि आ सरकार ने मजबूत बनावी छे। प्रत्येक वोट में एक ताकत थी कि आ मजबूत सरकार थी अपना सपना साकार थशे। प्रत्येक वोट में एक ताकत थी कि आ सरकार थी सुरक्षा की गारंटी उभी थशे, समृद्धि की दिशा पकड़ाशे। अने एने आजादी इतिहास पछी आवा घटनाओ बहु ओछी बनती होय छे एवी प्रो इन्कम्बेंसी वोट एक वर्तमान सरकार ने फरी बेसाड़वा माटे नी छे। संपूर्णपणे पॉजिटिव वोट अने हूँ जरे पहली बार चूंटणी प्रचार में निकळ्यो पहला राउंड पहला 28 मार्च आसपास निकळ्यो हतो अने 28-29-30 दरमियान जे दृश्य जोया त्यारे मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह्युं हतुं कि हूँ नहीं मानतो कि आ चूंटणी आपणे लड़ीए छीए, आपणे भ्रममां छीए। न चूंटणी उम्मेदवार लड़े छे, न चूंटणी भाजप लड़े छे, न चूंटणी मोदी लड़े छे, आ चूंटणी देशनी जनता लड़े छे। जे रीते आजादी पछी आटलू लोकसभानी चूंटणी में आटलू मोटू मतदान क्यारे नथी थयुं। आजादी पछी पहली वार आजादी पछी पहली वार एवा अनेक रेकॉर्ड आ वखते तूटी गया छे। वेव शब्द पण आने माटे नानो पड़े एवुं मोटू परिणाम अने गुजरात में लगातार बीजी वार जेटली सीटों लड़ी एटली बधी जीतीए अने ते पण मने हमणा विजय भाई कहता था गुजरात विधानसभा 182 सीटों आ लोकसभा चूंटणी ने एना उपर आंकड़ा मेळवीने जोईए तो 182 विधानसभा में 173 विधानसभा में बहुमती मिली छे। गुजराते पण मतदाननो एना बधा ज रेकॉर्ड तोड्या छे अने ते पण 40-45 डिग्री टेम्परेचर में। आ एक प्रजाकीय उत्सव छे, आ लोकोत्सव छे अने तेथी जनता जनार्दन नो आभार जेटलो मानी एटलो ओछो छे। परंतु जेम विजय आवे तेनी साथे जवाबदारी पण जोड़ायेली होय छे। विजय की पहली शर्त होय छे विजय ने पचावानी ताकत, विवेक मर्यादा ने नम्रता एवी जड़ीबूटी छे कि जे विजय पे पाचन पचावा माटेनी पाचन शक्ति वधारती होय छे। अने भारतीय जनता पार्टीए लगातार विजय प्राप्त करीने आ मार्ग पकड़ो छे अने जे मार्ग ना आधारे
समाज नो विश्वास और बलवत्तर बन्यो छे। अने जवाबदारी जारे आवी छे त्यारे आ पांच वर्ष विश्वना संदर्भ में पण अने भारतना संदर्भ में पण हूँ बहुज अभूतपूर्व जोउं छुं। अने सदनसीबे भारत में पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार अने प्रचंड बहुमत साथ मजबूत सरकार एनडीए ना मजबूत साथियों वाली सरकार एना माटे पण शायद विधिए निर्धारित करी छे कि आ पांच वर्ष नो तबक्को अत्यंत महत्वनो छे। 1942 थी 1947 ना पांच वर्ष भारतना इतिहासना ए पानो खंगोळीए तो राष्ट्र जीवन ने परिवर्तन लावा माटेनो ए पांच वर्षनो तबको देशनी जनचेतना देशनी जनजागृति देशनी प्रगति देशनो देशना लोकोनो भागीदारी दरेक चीज ने ओन करवानो देशनो स्वभाव एनी तीव्रता एनी व्यापकता एनी भागीदारी एटली व्यापक अने विशाल हती के अंग्रेज जेवी सल्तनत माटे पण आटला मोटा जन सामर्थ्य ने कचड़ी नाखो अत्यंत मुश्किल बनी गयू। पण एमा तो कई कोई सामे लड़वानू हतू एना कारणे घणी वार सामेना परिबळों पण एक नवी ऊर्जा आपी देता हो। आ पांच वर्षनी साधना एकलव्य जेवी छे। सामे कोई पड़कारो ना होय अने गुरु मौन होय अने एकलव्य साधना करीने शक्ति प्राप्त करतो होय एम भारते पण आ पांच वर्षनो उपयोग करीने एक निष्ठ साधना करीने आ पांच वर्ष में देश ने अनेक समस्याओं में मुक्त करवाना संकल्प साथ आगल बधवूज रह्यू। एमा कोई मिनमेक न हो सके। भारते दुनिया की जे आज की अवस्था है ये दुनिया की अवस्था में भारते पोतानू सदियों पुरानू जे स्थान हतु एने फरी एक बार प्राप्त करवा माटेनो आ पांच वर्ष एक अवसर छे। अने अवसर प्राप्त थईने रहेवानो छे मारा मन में कोई दुविधा नथी। विश्वनी अंदर भारतनी जे पोजिशनिंग छे ए वैश्विक परिबळों पर प्रभाव पैदा करनारी हशे। वैश्विक प्रभावों ने प्रभावित करनारी हशे। अने भारत नी अंदर महात्मा गांधी ना 150 उजवता होइए भारत नी आजादी ना 75 वर्ष उजवता होइए एवो आ कालखंड एक प्रकारे जनचेतना जगावानो मोटो अवसर छे। जन भागीदारी नो मोटो अवसर छे। जन चेतना नो मोटो अवसर छे। अने ते पण मात्र ने मात्र 125 करोड़ देश माटे भारत ने आगळ लई जाइए प्रत्येक भारतीयों ने आगळ लई जवाना माध्यम थी आगळ लई जाइए। समस्याओं थी मुक्त भारत ने बनावानी दिशा में नक्कर अने मक्कम पगला लईने आगळ वधीए। भेद रेखाओं एनी दीवालो होय के खाई होय आ सगळू पाटी ने आगळ निकळीए। एक रस समाज एक संकल्प एक राह एक लक्ष्य एने लईने आवनारा दिवस में अभूतपूर्व सिद्धियों भारत प्राप्त करे एना माटेनो अवसर छे। गई काले रात्रे राष्ट्रपति जीए विधिवत रीते मने प्रधानमंत्री पदनी पदनामित अने एमांथी नवी सरकार बनावा माटेनुं निमंत्रण आप्युं छे। अने एना पछी हूँ पहला आपनी पासे आशीर्वाद लेवा आव्यो छुं।
मारे मन पूज्य बापूनी आ तपोभूमि सरदार साहेब ने लोह शक्ति लोखंडी मिजाज जे धरती ए अभी महान विभूति आपी छे ये धरती माथी आशीर्वाद नवी यात्रा ना आरंभे एनु मारे माटे अधकेरू महत्व छे अने तेथी आजे आपनी वच्चे आवानो मैं विशेष रीते पसंद करी छे आपने आशीर्वाद मन्या रहे आपनी अने देशनी जे अपेक्षाओ छे एने पूर्ण करवा माटे कोई कमी न रहे जनता जनार्दन ईश्वरनु रूप होय छे अने एना आशीर्वाद ए ईश्वरीय शक्तिनु रूप होता होय छे ए ईश्वरीय शक्तिना रूपने आधारे सवा सौ करोड़ देशवासियों सपना नु भारत बने एमना संकल्प नु भारत बने एमनी आशा आकांक्षाओं भारत पूर्णता करनारू बने एवा संकल्प साथे आप सौ आटली मोटी संख्या में आवीने आशीर्वाद आप्या ए बदल हूँ आप सौनो खूब खूब आभार मानू छू हूँ प्रदेश भारतीय जनता पार्टी नो पण आभार मानू छू कि मने आप सौनी वच्चे आवानो अवसर मळ्यो मारी साथे पूरी ताकत थी बोलिए भारत माता की अमित भाई आपने काम कहू छे कि आपणो अवाज बंगाल में पहोंचाड़वानो छे भारत माता की भारत माता की भारत माता की खूब खूब धन्यवाद मित्रों।